मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक होने वाला है। इधर मैया कैकेयी मंथरा के कहने के आधार पर रूठ करके महल में लेट गई है अपने पुराने वरदान मांगने के लिए। सुन रहे हैं प्रवीण शास्त्री की आवाज में, रूठी महारानी महल न रूठी गई महारानी ने। अरे महल न रूठ गई महारानी, भूपन जब ही जानी और हो वह राज तिलक रघुवर को तुमने नारी कहा दिल ठानी। महल न रूठ गई महारानी रे, कई को समझा रहे हैं। अरे सुंदर सूरत नारी तुम्हारी किस कारण कुमलानी और पूरी अयोध्या भूलन छाई तुमको देख। अरे मोई है रानी कुमलन रूठ गई महारानी ने। इतनी नाराज हो, रूठी क्यों? तो केकेयी बोली, सुनो महाराज। अरे देवासुर जब भई लड़ाई कर ले याद पुरानी और कीलन करी गई पहिया की तुमने नाए। अरे भूप कछु जानी महल न रूठी गई महारानी रे। प्राण जाए पर बचन न जावे तुम हो सूर्य। अरे वंश वरदानी महल न रूठी गई महारानी ने। कहने लगे तो वरदान मांग लो। तो बोली कैकेयी, अरे पहले गद्दी होए भरत लाल को ऐसी हमने ठानी और 14 बरस राम बन जावे तबई होए। अरे मेरी मन मानी महल न रूठ गई महारानी रे। हुआ बबलू भैया राजपाल, अरे
होइबे हो सगिरे धरती पे नैनन बहिरो पानी। महाराज दशरथ ने जब केकई के द्वारा ये बात सुनी है कि पहले वरदान में भरत को गद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास तपसी के भेष में। अरे होइबे हो सगिरे धरती पे नैनन बहिरो पानी और राम राम कह राम कही तूने मांग लई। अरे मेरी जिंदगानी महल रूठी गई महारानी रे। आवाज में भैया अवधेश